हेलो एवरीवन, द बेकिंग स्टूडियो बाय सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाय टाइम की, जो कि कोई ख़ास कुकीज़ के साथ और भी मज़ेदार हो जाती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जीरा कुकीज, जो चाय को बहुत ही मज़ेदार बनाने वाली है। तो आइए देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 1/4 कप मैदा, 2 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप रूम टेम्परेचर बटर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून रोस्टेड जीरा और 2 to 3 टेबलस्पून हमें मिल्क की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम सबसे पहले एक बड़े बॉल में रूम टेम्परेचर बटर को ऐड करेंगे। बटर को मैंने फ्रिज से तकरीबन 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रख लिया था और साथ ही साथ हम इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर देंगे। हमें इन दोनों को मिक्स करके पूरी तरह से इसे क्रीमी बनाना है, ये येलो कलर से लाइट येलो में हो जाए। आज मैं इसे हैंड बीटर की सहायता से बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक विस्क से भी विस्क कर सकते हैं। हमें इसे काफ़ी देर तक, अप्रॉक्स 2 to 3 मिनट तक अच्छे से बीट करना है। ये येल्लो से लाइट येल्लो और फिर बिल्कुल क्रीम कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और शुगर इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। एक बार हम स्क्रैपर की हेल्प से इसके साइड्स को स्क्रैप करके बीच में ले आएंगे, जिससे अगर कुछ साइड में बच गया हो तो वो भी इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे फिर से बीट करेंगे और काफ़ी लाइट एंड फ्लफी बना देंगे। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि इसका कलर काफ़ी लाइट और एकदम क्रीमी हो गया है। फिंगर्स के बीच में रब करने से ये काफ़ी क्रीमी लगेगा और शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें छन्नी रखेंगे, अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड कर देंगे। मैदा, नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन सभी को हम इसमें डाल करके स्पून की सहायता से इसे छान लेंगे। इसे मिक्स करके छानने से जो भी गुठलियाँ होती है वो निकल जाती है। अब हम एक बार इसे स्पैचुला से ही मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे। जीरा हमें 1/2 क्वांटिटी में ही ऐड करना है और 1/2 क्वांटिटी को हम बचा करके रख लेंगे, इसे हम बाद में ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। अब हम स्पैचुला को भी हाथों की सहायता से उसमें जो भी लगा हुआ है उसे रिमूव करके अब हम इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे। हमें इसका एक डो की तरह फॉर्म कर लेना है, पर इसे बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना। इसमें 2 to 3 टेबलस्पून मिल्क हम ऐड करेंगे, जिससे कि ये सारा डो हमारा एक साथ आ जाए। एक बार में हम ज़्यादा मिल्क इसमें ऐड नहीं करेंगे, 2 टीस्पून हम एक बार में ऐड करेंगे, फिर उसे मिक्स करेंगे। 2 टीस्पून ऐड करने से ही ये हमारा सारा डो एक साथ आ गया है। अब हमें इसमें और ज़्यादा मिल्क ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये सारा डो हमारा एक साथ आ गया है, बस हमें इसे इतना ही मिक्स करना है। इस तरह से तोड़ने से ये काफ़ी क्रम्बली टेक्सचर अंदर से नज़र आ रहा है। हमें इसी तरह का डो चाहिए और ये कुकी जब बनेगा तो ये काफ़ी मेल्ट इन माउथ बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी। हमें इस डो को तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। किचन टॉवल से ढक करके मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ही रख दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। 10 मिनट हो गया है और अब मैं डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। एक प्लास्टिक सीट के बीच में रख करके मैं इसे रोल आउट करूँगी, जिससे कि क्रैक्स नहीं पड़ेगा और बहुत ही ईजिली हमारा ये डो रोल आउट हो जाएगा। हमें इसकी मोटाई तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रखना है। साइड्स में क्रैक पड़ेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसे कुकी कटर से काट करके कुकी बनाएंगे। मैं ऑफसेट स्पैचुला से साइड्स को एक बार लेबल कर रही हूँ, जिससे हमें इसकी मोटाई का पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे 1/2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में मोटाई रखी है और आज मैं इसे गोल कुकी कटर से कट करूँगी।
उससे पहले मैं इसके ऊपर जीरा स्प्रिंकल कर दूंगी जो मैंने जीरा बचा करके रखा था, और उसे भी एक बार रोलिंग पील की हेल्प से इसमें सेट कर दूंगी। अब मैं ये गोल वाले राउंड वाले सेप वाले कुकी कटर से इसे कट कर लूंगी। आप कोई भी सेप के कुकीज इससे कट करके निकाल के बना सकते हैं। आज मैं स्टार शेप और राउंड शेप दो तरह की कुकीज बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और उस पे अपने ये बिस्किट रख दूंगी। मैंने बेकिंग ट्रे को हल्का सा ग्रीस कर लिया था। 1/2 सेंटीमीटर की मोटाई में मैंने ये कुकीज को कट कर लिया है और इन सारी कुकीज को मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस ट्रे में प्लेस कर दूंगी। इसी तरह से मैं सारे कुकीज को कट कर लूंगी और इस ट्रे में प्लेस करके रख लूंगी। अब 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में मैं इसे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। अप्रॉक्स 15 मिनट हो गया है और हमारा कुकीज काफी अच्छे से बेक हो गया है। इसे मैंने कूलिंग रैक पर तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था और ये काफी क्रिस्पी बने हैं। इसे अप्रॉक्स 1 मंथ तक आप स्टोर करके भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। मैं इसे तोड़ करके भी दिखा रही हूँ, ये काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। तो रेडी है ये हमारा ऑसम जीरा बिस्किट जो चाय टाइम को बहुत ही मज़ेदार बना देगा और आपके फुर्सत के पल को बहुत ही मेमोरेबल। तो बनाइए ये कुकीज़ और अपनी फैमिली के टी टाइम को बहुत ही मज़ेदार बनाइए। तो अगर आप मेरे रेसिपीज़ को यूं ही देखते रहना चाहते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और आजकल लाइक्स कुछ कम ही आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक्स तो बनता है। थैंक यू।